टेप बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। दमकल को 14 गाड़ियों में पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक टेप बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। बादलपुर थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने में जुट गई। करीब 2 से 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद एक दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कंपनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वीओ डैश तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दमकल की दर्जनों गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। दरअसल तड़के के बाद बादलपुर थाना क्षेत्र के अछेजा में टेप बनाने वाली हिंदुस्तान एडिसिव लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंचते ही आग बुझाने में जुट गया। दमकल अधिकारी अरुण कुमार के अनुसार करीब 8 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली। उसके तुरंत बाद दमकल विभाग की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। करीब 2 से 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर दमकल की 14 गाड़ियों ने काबू पा लिया है, लेकिन इस दौरान कंपनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। नोएडा से अमित सिसोदिया की रिपोर्ट। जैसे ही आग बुझ जाती है तो इन बिंदुओं पर विचार किया। इस समय 14 गाड़ियां हैं हमारी मौके पर।